हेलो, स्वागत आप सभी अगले स्टेशन सिम्युलेटर के एक और नए मजेदार एपिसोड में। तो वापस आ चुके एक नए मजेदार एपिसोड के साथ में, और फाइनली गैस स्टेशन का अपडेट आ गया जो कि काफी ज्यादा टाइम के बाद में आ रहा है, और उसके साथ में नाम गैस स्टेशन भी काफी ज्यादा दिन के बाद में खेल रहा है। वैसे ये अपडेट ना 27 दिसंबर को आने वाला था, मगर ये एक दिन लेट हो गया। खैर कोई दिक्कत नहीं है। और अभी अपने गैस स्टेशन की हालत देखोगे तो भाई यहाँ पर तो पूरा पेंट खराब हो चुका है। उसके साथ में अंदर अगर चल के देखे तो भाई धूल मिट्टी वगैरह प्रोडक्ट्स तो मेरे पास में है, या चलो बियर वगैरह वो तो सारी की सारी चीजें है ना, मतलब सारे के सारे प्रोडक्ट्स है। एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहले ना सारे के सारे वर्करों को ना छुट्टी देता हूँ ताकि वो घर पे जाके एकदम आराम कर सके, क्योंकि अभी अपने को ना सारे के सारे वर्कर से ना काफी ज्यादा काम है। तो बेटा ब्रेक पे चले जाओ, तुम भी जाओ जंगल, तुम भी ब्रेक पे ही हो शायद से, ठीक है। मैथ्यू भैया तुम भी जाओ ब्रेक पर, अभी मैं तुम लोगों को कुछ टाइम के बाद में बुलाता हूँ। तुम्हारी जो बची कुछ पेमेंट है वो ले लो। अभी हमारे पास में अगर पैसे चेक करोगे तो हमारे पास में $1,07,000 है। तो फटाफट से चलते हैं कंप्यूटर में और जाकर चेक करते हैं। तो भाई $1,000 में कार वॉश का जो एरिया है वो अनलॉक होगा, तो फटाफट से इसको कर देते हैं अनलॉक। और ये अचीवमेंट भी अनलॉक हो गया अपना। और यहाँ पर अगर देखोगे तो भाई पहले जा रहा हूँ मैं बाहर जाकर चेक करते हैं। वैसे इसके कितने अपग्रेड्स अपने को कुछ पता नहीं है। ओहो हो, अब तो हम और काफी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। मगर उससे पहले एक और चीज, नए आए हो चैनल पे, एंजॉय कर रहे हो, एंजॉय करोगे तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल के ऊपर ऐसे ही बढ़िया बढ़िया गेम प्लेस और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया सीरीज आते रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। सेकंड चैनल और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी जरूर चेकआउट करो, मैं उस पर भी बढ़िया बढ़िया कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ। और ये किस चीज के लिए, मतलब अच्छा ये वाटर पंप है, और ये है शायद से ये हाइड्रोलिक वगैरह ऐसा कुछ तो है। वो तो अपने को ना अभी गैस स्टेशन ओपन करने के बाद में ही मालूम पड़ेगा। तो मगर सबसे पहले एक चीज ये करते है, सबसे पहले ना हम दुकान की साफ सफाई करके इसको रेडी करते हैं, और एक बार चेक कर लेंगे कि और कुछ अपग्रेड्स वगैरह वो आए है या नहीं आए। वैसे मेरे को नहीं लगता शायद से और अपग्रेड्स आए होंगे, मगर फिर भी हम एक बार चेक कर लेंगे। चलो बाकी सारी चीजें तो एकदम क्लियर है, और धूल मट्टी वगैरह वो तो कुछ है नहीं, बस इधर बैक साइड में थोड़ी बहुत धूल मट्टी है, उसको भी हटा करना फटाफट से। फिर वर्करों को बुलाते, एक को रखेंगे हम कैश काउंटर पे, दूसरे को रखेंगे गैराज में, और एक को पेट्रोल पंप पे, और एक को साफ सफाई पे, और हम ना अब कार वॉश का एरिया संभालेंगे। और एक बार चेक कर लेता हूँ कि इसका कितना ज्यादा लेवल है। और यहाँ पर अगर देखोगे तो भाई इसका लेवल 1 है, मतलब इसको भी हमको अपग्रेड करना है, और इसको अपग्रेड करने के लिए $1,500 लगेंगे। तो एक काम करते, पहले इसको अपग्रेड अभी नहीं कर सकता मैं, कंप्लीट मोर ऑब्जेक्टिव्स टू बी एबल टू अपग्रेड द कार वॉश। ओके, तो $1,500 लगेंगे, जिससे अपने पानी का जो प्रेशर है ना वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो एक काम करता हूँ, यहीं से बैठे बैठे ना सारे के सारे एम्प्लॉयज को बुलाता हूँ। मारिया दीदी तुम जाओ गाड़ियों में फ्यूल डालने के लिए, जॉर्ज अंकल तुम जाओ गाड़ी रिपेयर करने के लिए, हीरो की भाई तू आ जा कैश संभालने के लिए, और मैथ्यू भैया तुम वापस से आ जाओ सारी की सारी सफाई करने के लिए, ठीक है। अब ये लोग आते हैं, जब तक ना मैं जाता हूँ फटाफट से गैस स्टेशन को करते हैं ओपन, और एक बार ये भी चेक करना है कि अपने पास में पेट्रोल कितना बचा हुआ है। पेट्रोल मेरे ख्याल से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने टंकी काफी ज्यादा फुल कराया था, और उसके बाद से मैंने ऑफलाइन भी ये गेम को खेला नहीं। मगर अभी काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि फाइनली कार वॉश वाला अपडेट आ चुका है। तो चलो कस्टमर्स तो आ रहे हैं, अपने पास में कुछ अगर प्रोडक्ट्स हो तो वो सारे के सारे प्रोडक्ट ना इधर ही प्लेस करके अपन चलते हैं, क्योंकि अपने को कार वॉश भी देखना है, और उसके साथ में अपने को यहाँ पर अपनी दुकान भी संभालना है, मतलब गैराज भी संभालना है, दुकान भी संभालना है, बहुत सारी चीजें ना हमको एक साथ में करनी है। टॉयज वगैरह वो तो मेरे पास में कुछ है नहीं, चिप्स का माल हो सकता है, तो साथ ही मेरे पास में बटर पॉपकॉर्न पड़े हुए थे, और सिगरेट का भी माल खत्म हो चुका है। न्यूज़पेपर मेरे पास में कितनी एक बार वो चेक कर लेता हूँ, न्यूज़पेपर भी थोड़े बहुत ही है मेरे पास में, ज्यादा नहीं है, मतलब 8-8, 10-10 की मेरे पास में क्वांटिटी बची हुई है। और आइसक्रीम कुछ है, आइसक्रीम नहीं है। यहाँ पर एक बार कैन वगैरह वो चेक कर लेते, कैन वगैरह भी नहीं है। पेस्ट्री तो होनी चाहिए पेस्ट्री, क्योंकि हम हमेशा ना मंगाते रहते हैं, तो इधर से ना सारी की सारी पेस्ट्रीज डाल देते। हो गया अपना यहाँ का काम, एक बार ना पूरा का पूरा कूड़ा कचरा उठाकर ना हम फेंक देते हैं इसको गार्बेज कंटेनर में, क्योंकि अभी जब पब्लिक आना स्टार्ट हो जाएगी ना तो फिर काफी ज्यादा ना दिक्कत होती है, मतलब गड़बड़ हो जाती है, और हम यहाँ पर कार वॉश पर खड़े रहते हैं। और भाई साहब ये लाइट मेरे को ऐसा लग रहा है चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये बार बार ना ब्लिंक कर रही है। और ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अच्छा यहाँ पर साफ सफाई कर रहा था क्या, मेरे को देख के साफ सफाई करने के लिए भाग रहा है। और कस्टमर्स आना स्टार्ट हो चुके हैं, और ये पेट्रोल डाल रही है, यस ये पेट्रोल डाल रही है। एक बार उधर जाता हूँ गैराज के अंदर, और गैराज के अंदर भी जाकर यार भाई यहाँ से अपने को मिट्टी हटाना पड़ेगी पहले, तो फटाफट से गैराज के अंदर टायर वगैरह वो है सारी की सारी चीजें, थोड़े से टायर कम दिख रहे हैं ना, तो एक काम करता हूँ फटाफट से ना कार केयर के अंदर जाकर ना हम बहुत सारे टायर्स मंगा लेते हैं,
क्योंकि गैराज के अंदर अगर टायर नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो और वैसे भी आज टायर का प्राइस ना काफी ज्यादा सस्ता चल रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 60 टायर स्क्रैच रिमूवर तो है अपने पास में, मिरर महंगा है, इंजन ऑयल सस्ता है ना, तो इंजन ऑयल भी 20-30 मंगा लेते हैं, क्योंकि अभी प्रोडक्ट रखने के लिए ना अपने वेयरहाउस में काफी ज्यादा जगह बची हुई है। और बैटरी वगैरह, बैटरी तो $50 की मिलती है, तो 20-30 बैटरी भी मंगा के हम रख लेंगे, ठीक है, 20 बैटरी कर लेते हैं। स्पार्क प्लग बहुत ज्यादा महंगा है, कूलेंट भी महंगा है, तो फिलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही ऑर्डर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और यार कार वॉश पे कोई आओ, मेरे को सबर नहीं हो रहा, मेरे को गाड़ी धोना है लोगों की, अभी तक मैंने धोया नहीं और ये बंदा आ रहा है इधर, पलड़िया पलड़िया नहीं, अरे यस, कार वॉश करने के लिए आ रहा, ये है हमारा पहला कस्टमर। भाई ऐसी गाड़ी धोके दूंगा ना तेरी, देखते रहेगा। और यहाँ पर लाइटें, अच्छा ये चारों की चारों लाइटें पड़ रही है इस पे, तो धोते कैसा है गाड़ी को, चलो ये वाला टास्क तो कंप्लीट हो गया, अच्छा इससे धोते, ओके भाई साहब लो प्रेशर की वजह से दिक्कत हो रही है, क्या मेरे पास में पानी खत्म हो गया? अरे मैंने गलती से बंद कर दिया ये, अरे पागल इंसान, वाह भाई गाड़ी पहले ही कस्टमर की ऐसी की तैसी कर दिया। अबे ये चालू करना है मेरे को, पानी कैसे, क्या खत्म हो गया? रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ, ये बंद हुआ है ना, मैं जाकर ना पहले तो इसको अपग्रेड करता हूँ, शायद से अब मैं अपग्रेड कर पाऊंगा, क्योंकि तो इसके अंदर जाएंगे, रिक्वायरमेंट अभी भी कुछ है यार, भाई अभी भी मैं इसको अपग्रेड नहीं कर पा रहा हूँ यार, दिक्कत नहीं है भाई, एक सेकेंड खोल रहा हूँ वेयरहाउस, खोल रहा हूँ, रुक जा, बैक टू बैक हॉर्न बजाते ये साले, चलो ज्यादा प्रोडक्ट्स है नहीं, थोड़े बहुत ये तो उठा कर रखते, अंकल फटाफट से निकलो तुम, मेरे पास में टाइम की बड़ी कमी है, मेरे को यहाँ से लग रहा है ना पानी का कनेक्शन लेना पड़ेगा और यहाँ पर लगाना पड़ेगा, चलो ये चला गया, फटाफट से करते हैं वेयरहाउस को बंद। और यहाँ पर ना जाके मेरे को ऐसा लग रहा है जो गटर है ना वो अपनी भर चुकी है, जिसकी वजह से पानी आ नहीं रहा है, और भाई साहब यस गटर अपनी भर चुकी है, एक सेकंड एक काम करता हूँ, ओह वाह भाई यार ये कुत्ते बिल्ली चिल्लाते हैं, ये भाई ये हॉरर गेम में कब से कन्वर्ट हो गया, शिट दो रास्ते जा रहे हैं, पता नहीं कौन सा वाला रास्ता, अच्छा यहाँ से मेरे को पानी खोलना पड़ेगा, और कुछ है यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, और तो मेरे को नहीं लग रहा है यहाँ पर, ये कौन सी जगह है, हैं इसको हटा के फेंकता हूँ कुछ देर के लिए साइड में, और मेरे को ऐसा लग रहा है घूम फिर करना हम वहीं पर आ जाएंगे, यस ये घूम फिर कर वहीं पर आ जा रहे हैं, और ये वाला रास्ता कहाँ जा रहा है, डोर लॉक, फाइंड अ वे टू अनलॉक द डोर, डोर अनलॉक करने के लिए अपने को रास्ता ढूंढना पड़ेगा, मगर करते रुको कुछ देर में, पहले यहाँ पर चेक कर लेते हैं, भाई साहब ये कहाँ कहाँ मैं आते जा रहा हूँ अंदर, हैं यहाँ पर मेरे को अगर पकड़ पाना ऐसा कुछ तो मिल गया, ओ तो ये मैंने कुछ तो लॉक को अनलॉक किया, अब जाके एक बार चेक करता हूँ कि मैं यहाँ से डोर को ओपन कर पाता हूँ, शायद से यह सब मैं डोर को अनलॉक कर दिया, ओ हो ये हम कहाँ आते जा रहे हैं, कहाँ घूमते जा रहा हूँ मैं, और ये इतनी बड़ी गटर है, ए ए बाप रे बाप भाई है, पानी में मगरमच्छ कब से आने लग गए इधर गटर में, ये क्या हो रहा है, खैर चलो मैं वही तो सोचू कि आवाज किसकी आ रही थी इतनी जोर से, वो मगरमच्छ की आवाज थी, और मैं बस गटर में घूमे जा रहा हूँ, और मैं यहाँ कहाँ पर आ गया, अरे भाई ये क्या चल रहा है इधर, है ज़ॉम्बी वाला गेम खेल रहा हूँ ऐसा दिख रहा है मेरे को, मेरे को नहीं पता मैं घूमते घूमते कहाँ पर आ गया, कोई आइडिया नहीं है, ये पहले तो कचरा यहाँ से हटा देता हूँ मैं, अरे कचरे को ना बाहर निकाल कर फेंकते हैं, ठीक है, मगरमच्छ का पानी के अंदर क्या काम, फॉरेन के गटरों में मगरमच्छ भी होते हैं, है दिक्कत नहीं है, चलो ये वाला टास्क मैंने कर दिया कंप्लीट, ये पाइप से मेरे को कुछ करना है नहीं करना, ये वाले पाइप से मेरे को कुछ, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता इधर साइड से सीढ़ियां जा रही है, भाई मैं बस जाता जा रहा हूँ, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं अभी अंडरग्राउंड में कहाँ पर आ गया, और यहाँ से मैं बाहर कैसे निकलूंगा, वैसे मेरे को इधर सामने सीढ़ियां तो दिख रही है, यहाँ से मैं चढ़ के चला जाऊंगा ऊपर, और यहाँ पर भी एक डोर लगा हुआ है, तो अभी हमको बाहर जाने का ना रास्ता ढूंढना पड़ेगा, जो कि यहाँ से तो बिल्कुल नहीं है, ये इधर साइड से कहीं से होना चाहिए ऐसा लग रहा है मेरे को, और एक सेकंड ये तो मैंने देखा ही नहीं मगरमच्छ, हैं ये यहाँ आराम कर रहा, खाएगा मेरे को, हैं नहीं खाएगा भाई मेरे को नहीं खाएगा, चाके भी नहीं खा सकता, क्या आवाज आ रही है खतरनाक इसकी, और इधर तो मेरे को कुछ तो बता रहा है मगर यहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं बता रहा, और ये सीढ़ी है जाने के लिए जिसपे मेरी नजर ही नहीं पड़ी, और मैं कहाँ से जाकर कहाँ आ गया, हैं हेलो
मैं कहां से जाकर कहां आ गया और मैंने क्या क्या चीजें कर लिया अभी। वाह रुक जाओ मेरे को पहले ना बुलडोजर, एक सेकंड रुक जाओ। अरे भाई साहब, अरे रे 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 भाई साहब, यार देख रहे हो कितना ज्यादा रश हो गया। निकल 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 फटाफट से निकल, सारे के सारे निकलो, एकदम स्पीड से दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से निकलते जाओ। ठीक है तुम दूसरे रास्ते से भी जा सकते हो, कोई गड़बड़ नहीं है। तुम इधर से उड़ जाओ कुछ देर के लिए, मैं वो लेके आ जाऊंगा और फिर यहाँ से हटा दूंगा। एक काम कर दो, मैं सबसे पहले जाकर ना जेरी कैन के अंदर ना पेट्रोल भर लेता हूँ क्योंकि बुलडोजर अपने को लगेगा। चलो ये तो फुल कर दिया अपन ने, बुलडोजर से हम सारी की सारी ना मिट्टी हटा पाएंगे। और नीचे से ना मेरे को गार्बेज बैग उठाकर लेके आना पड़ेगा। यार देख रहे हो यहाँ से मेरे को गार्बेज बैग दिख रहा है, मतलब ये गेम में इतनी अंदर तक मैं चला गया, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं, बस मैं जाता गया और अपने को खुद ही रास्ता मिल गया। भाई ज्यादा मेहनत भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस जो मगरमच्छ का साउंड आया है ना उससे मेरी थोड़ी सी फट गई थी। बस एक चीज मेरे को सबसे बढ़िया ये लगी है कि जो अपना कार वॉश वाला एरिया है ना उसको हम सेपरेट बंद कर सकते हैं, उसका गैस स्टेशन से कुछ भी काम नहीं। अगर हमको सिर्फ और सिर्फ ना कार वॉश भी अगर चालू रखना है तो हम कार वॉश को भी चालू रख सकते हैं, तो वो काफी ज्यादा बढ़िया बात है। अबे रुक जाओ ना यार, तुम लोग को सबर नहीं है, बैक टू बैक हॉर्न बजाते हो। चलो यहाँ पर सारी की सारी मिट्टी मैंने फेंक दिया। यार बुलडोजर परचेस करने के लिए भी ना अपडेट आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपना ये वाला ना बुलडोजर काफी ज्यादा खटारा हो चुका है। अबे रुक जाना, कितना हॉर्न बजाता है। उड़ निकल यहाँ से, निकल चुपचाप से, दिमाग खराब खामा का। उड़ जाओ दोनों के दोनों, उड़ जाओ। आजा तू, आजा बाहर, आजा आजा बाहर, आजा आजा आजा, डर के मारे आ नहीं रहा बाहर। निकल तू भी, साले लोग परेशान करके रख दिए। गाड़ी कहाँ कहाँ उड़ के जा रही है। अब वो देखो वो सामने जाकर गाड़ी पलट गई है। अब उससे दिक्कत ये होगी कि वो और काफी ज्यादा ट्रैफिक जैम हो जाएगा उससे। एक काम करो, तुमको अगर पलटना ही है तो रोड पर जाकर पलटो, और कुछ ज्यादा जोर से हम गाड़ी नहीं उड़ा रहे। अब यार मैंने मिट्टी उठाया मगर तो भी ना मिट्टी काफी ज्यादा अभी भी पड़ी हुई है। एक काम करता हूँ मैं, इधर साइड में अगर मिट्टी डाल सकता हूँ ना तो यहाँ पर साइड में मैं मिट्टी फेंक दूंगा, मगर यहाँ पर चलो हम मिट्टी नहीं डाल सकते, इसको उधर ही कॉर्नर में फेंकना पड़ेगा। मेरे को तो ऐसा लग रहा है ना कि ये मिट्टी हटाने तक ही और तूफान आ जाएगा। ये देखो लोगों को सबर है नहीं, गेम में भी मतलब रियल लाइफ में भी तो लोगों को सबर होता नहीं है और गेम में भी सबर नहीं हो रहा भाई। चलो अब हट जाएगी, चलो अब हट गई पूरी की पूरी मिट्टी। बस बुलडोजर को यही छोड़ देता हूँ मैं, बाद में करेंगे बुलडोजर का काम, क्योंकि अभी हमको कार वॉश करनी है और उससे पैसे कमाने। गराज इधर है, गराज इधर है, मार लो टर्न, यू टर्न मार लो। अबे डेनिस की कमी थी, आजा बेटा। अच्छा हुआ सही टाइम पे आया, अच्छा हुआ मैं गाड़ी नहीं धो रहा था, अब मैं तेरे को धोऊंगा। कहा गया आ रहा है ना भाग के, आजा आजा, जो मिला हाथ में वो मारेगा मैं तेरे को। अरे मेरे सामने का सामने, अबे रुकना। अरे यार इतनी देर में तो वो कितना सारा नुकसान कर देगा, सामने का सामने शॉट मिस कर दिया भाई। वो सांप पीछे जाकर स्प्रे करेगा, दिक्कत नहीं, कर ले कर ले, जितना स्प्रे कर सकता है कर ले। टेबल कहा गया, रुक जा तेरी ऐसी की तैसी, निकल निकल। हाँ कर ले स्प्रे कर ले, तेरी ऐसी की तैसी है। बड़ी चीजें होती है ना तो ये दिक्कत होती है। भाग रहा है ना घर, जा रहा है ना घर पे है, तेरी ऐसी की तैसी पड़ी, इतनी दूर से भी मारे हमने उसको। खैर दिक्कत नहीं, और बॉडी बिल्डर क्या हाल है। अब करते हैं हम कार वॉश को ओपन। यस आ जाओ अब दिक्कत नहीं है। मैंने सारा का सारा पसारा हटा दिया। यहाँ से अगर देखोगे तो पानी डायरेक्ट वो नीचे साइड में जा रहा है जहाँ पर मगरमच्छ पड़ा हुआ है, और चारों के चारों एम्प्लॉयज आराम कर रहे हैं। एक काम करता हूँ कुछ देर के लिए ना मैं सिर्फ और सिर्फ कार वॉश चलाता हूँ, ये लोग को भी टाइम पर थकना था। वाह कार वॉश चलाते हैं कुछ देर के लिए, क्योंकि अभी नया नया कार वॉश है ना जिसकी वजह से हमको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। हमने गैस स्टेशन को अकेले भी संभाला, अभी हम सिर्फ और सिर्फ कार वॉश संभालेंगे। ठीक है तो हो जा बंद, मैं जा रहा हूँ कार वॉश संभालने के लिए। आ जाओ जिस जिसको गाड़ी धुलानी है सारे के सारे कस्टमर्स आ जाओ। पैसे की कमी हमारे पास में बिल्कुल नहीं है भाई, फुल पैसा। एलोन भैया मैंने नया नया कार वॉश चालू किया हो तो तुमको भी गाड़ी धुलानी हो तो आ जाओ, फ्री में धो दूंगा, सिर्फ $200 दे देना। शायद से ये वाली गाड़ी ना मेरे को ऐसा लग रहा है अपने पास में टर्न कर सकती है। यस ये गाड़ी अपने पास में टर्न कर रही है तो इसकी गाड़ी धोएंगे हम एकदम बढ़िया तरीके से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसे ही धोना चालू कर दूंगा। अरे आ तो जा तू, कौन बजा रहा है हॉर्न। चलो हो गया सर, आप 2 मिनट रुकना, मैं अभी जस्ट कुछ देर में है। What? गाड़ी का टायर तो पंचर था उसके, शायद वो जैसे निकल गया। एक सेकंड रुक जाओ, मेरे पास में ना कुछ मेल पड़ा हुआ है तो मैं जाकर ना पहले मेल चेक करता हूँ। भाई दुकान की हालत तो ऐसी की तैसी हो गई है। मेल क्या आया है वैसे, अपने को कार वॉश का कुछ तो आया होगा। खैर दिक्कत नहीं है, बस यहाँ खड़े रह के ना अपने को इंतजार करना है कस्टमर्स का। A few moments later. तो भाई अभी ना गैस स्टेशन बंद करके काफी ज्यादा देर हो गई मगर एक भी कस्टमर नहीं आया। और अब मेरी एक चीज समझ में आई है, वो ये है कि सिर्फ हम कार वॉश को बंद चालू कर सकते हैं, मतलब सिर्फ ये एक स्पेसिफिक को चालू बंद रख सकते हैं। जब वो गैस स्टेशन को ओपन करेंगे जब ही कस्टमर्स आएंगे। मतलब मेरा साबुन कुछ ज्यादा स्लो है, दिक्कत नहीं है चलता है। तो एम्प्लॉयज
ये लो तुम्हारी सैलरी, आ जाओ अपने अपने काम पर वापस सारे के सारे। तो सारे के सारे एम्प्लॉयज को वापस से हमने टास्क दे दिया और गाड़ी आना स्टार्ट हो चुकी है। उसके साथ में ना यहाँ पर एक बार चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास में अभी फ्यूल कितना बचा है। भाई फ्यूल ऑलमोस्ट मेरे पास में खत्म ही होने आया है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो एक काम करता हूँ, मैं 500 लीटर, 200 लीटर और 100 ऐड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ ना, तो एक काम करता हूँ 500 और 200 700 लीटर का ऑर्डर दे देता हूँ, ठीक है। उसके साथ में सिर्फ ये ही नहीं, मैं गार्बेज वाले को भी बुला लेता हूँ कि भाई आजा गार्बेज उठाकर लेके चला जा, दिक्कत हो रही है काफी ज्यादा। और जितने मैंने टायर्स मंगाए थे ना, मैंने गराज के अंदर टायर्स एक भी लगाया नहीं, तो फटाफट से जाकर ना मेरे को पहले तो टायर्स लगाने पड़ेंगे। और भाई दोनों साइड के टायर खत्म हो गए, मैं तो धीरे धीरे करके पूरे कस्टमर्स को भगा दूंगा ऐसे ही अगर हमारा चलता रहा तो। हो चुके हैं टायर फुल, जो जो बैटरी मंगाई थी ना वो सारी की सारी बैटरी भी लगा देते हैं, और थोड़ा सा हमने ऑयल भी मंगाया था तो थोड़ा सा ऑयल भी लगा देते हैं, ठीक है। हो गया इनका काम फटाफट से, और वहां पर अपने पास में एक बंदा आ चुका है गाड़ी धुलाने के लिए। तो अब करते हैं हम फटाफट से इसकी गाड़ी को साफ। तो भाई साहब एक मिनट, और कितना प्रेशर आ रहा है अपने पास में, भाई ये वाले प्रेशर से हम धोएंगे गाड़ी को, वो ज्यादा सही। और एक लाइन में ना चालू करते हैं, मतलब टेढ़ा मेढ़ा नहीं धोना हमको, एक लाइन में हम गाड़ी को धोएंगे, वो ज्यादा सही रहेगा। और एक गाड़ी धोने के लिए भाई बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, धूल अगर देखोगे इस पे अभी भी कितनी ज्यादा मिट्टी पड़ी हुई है। दिक्कत नहीं है, रुक जा भाई, कौन हॉर्न बजा रहा है, रुक जा, करने दे हमको गाड़ी को फटाफट से साफ, क्योंकि हमारे पास में बिल्कुल टाइम नहीं है। फुल स्पीड से गाड़ी को कर रहा हूं मैं साफ अभी, और है इस साइड में बस थोड़ा बहुत बचा हुआ है, बाकी तो एक साइड का तो हमने ऑलमोस्ट पूरी तरह से कर दिया है कंप्लीट। बस ये कॉर्नर वगैरह इसको थोड़ा सा अच्छे से अपने को करना पड़ेगा। और ये गाड़ी पहले से ज्यादा कुछ ज्यादा चमक रही है, और ये प्रेशर ना इतने प्रेशर में बहुत ज्यादा स्लो काम हो रहा है, तो थोड़ा सा हाई प्रेशर का ना अपने को मशीन अपग्रेड करना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसे से अगर काम करते रहेंगे ना तो फिर काम हमारा स्लो होता रहेगा, और पानी का भी प्रेशर अपने को चेक करते रहना पड़ेगा, मतलब जो पानी की टंकी है वो भी अपने को चेक करते रहना पड़ेगा क्या कितना पानी अभी बचा हुआ है अपने पास में। और समझ गया मैं, फ्यूल वाला बंदा आया है, और फ्यूल वाले बंदे के पीछे ना इतना ज्यादा ट्रैफिक जैम हो गया, मतलब बहुत दिन से हमने गैस स्टेशन को खेला नहीं ना, तो हम सारी चीजों को एक साथ मैनेज करना ना भूल गए भाई। चलो हो चुकी इसकी गाड़ी ऑलमोस्ट पूरी तरह से साफ, वैसे काफी ज्यादा बढ़िया अपडेट आया है यार ये, अभी और भी इसके अंदर अपडेट्स आने बाकी है, सिर्फ ये कार वॉश का ही नहीं, अभी और भी इसके अंदर कितने सारे अपडेट आना बाकी है। थैंक यू सो मच। पैसा दे दिया, अबे रुक जाओ ना यार, एक सेकंड रुक जाओ भाई, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ हो गया, चलो निकलो, जाकर पानी कितना है वो चेक करना पड़ेगा मेरे को। ऐसा लग रहा है ना मेरे को जाकर सबसे पहले पंप को अपग्रेड कर लूं तो वो ज्यादा सही रहेगा। और यस मैं अब अपग्रेड कर पा रहा हूँ, और यस हमने अपग्रेड कर लिया, थोड़ी सी हाई प्रेशर की हमने मोटर लगा दिए नीचे। और एक बार और चेक कर दो कि मैं और अपग्रेड कर सकता हूँ 2500 से, तो और हमने इसको अपग्रेड कर लिया, अब ये लेवल 3 पर चले गई है। एक बार और चेक कर लेते कि और भी अपग्रेड कर सकते हैं, तो और भी ज्यादा हम अपग्रेड कर सकते हैं, जिसके लिए $8,000 अपने को लगने वाला है। तो $8,000 लगा दिया भाई, मोटर देख रहे हो कितनी ज्यादा हाई प्रेशर की हमने लगा दी है, लेवल 4 का हो गया अब अपना वाटर पंप। और अब जो अपग्रेड करने के लिए पैसा लग रहा है ना, वो अपने को $12,000 लग रहे है। और यस, ये तो हमने फोम वगैरह वो भी बिठा दिया, मतलब कितनी सारी चीजें मैं अपग्रेड करता जा रहा हूँ, और ये मैक्स लेवल पर हम पहुंच चुके हैं, जो कि बहुत सही बात है। अबे बस टंकी फुल हो रही है, रुक जाओ ना, कोई दिक्कत है तुमको, है दिक्कत है तुम लोगों को, रुक जाओ। ओ यहाँ पर तो काफी ज्यादा ट्रैफिक जैम हो चुका है भाई, मतलब यहाँ से वहां तक पूरा ही ट्रैफिक जैम हो गया। और अभी ना अपने को और कुछ एम्प्लॉयज की ना जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इतने एम्प्लॉयज से ना अपना काम होगा नहीं, देख रहे हो 5 के 5 एम्प्लॉय लगे हैं, मगर 5 के 5 एम्प्लॉय ना बार बार थक जा रहे हैं, और जाकर ना आराम करने के लिए चले जा रहे हैं, तो हर थोड़ी देर में ना अपने को गैस स्टेशन बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि एक साथ में ना मैं इतना सारा काम नहीं कर पा रहा हूं। और अब एक बार प्रेशर देखेंगे तो भाई साहब अब काफी ज्यादा दूर तक पानी जा रहा है। खैर कस्टमर्स को आने दो, हम यहाँ पर वेट करेंगे उनका। अबे यार निकलो ना, हो गया ना, हाँ चलो बस कर दो, वरना मैं झाड़ू निकाल के ना सारी सारी गाड़ी उड़ाना अगर स्टार्ट कर जाना तो तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पर एक नोजल ऑटोमेटिक कार वॉश का भी आ चुका है, तो एक काम कर दो कुछ देर के लिए ना इसको भी मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से कार वॉश अपना ओपन है, यहाँ से ऑटोमेटिक वाला फीचर भी ऑन है, तो एक बार चेक करते कि ऑटोमेटिक फीचर से ये गाड़ी कैसी धुलती है। जो ऑटोमेटिक पे हमने इसको कर दिया, और यस भाई साहब ये तो मतलब दिक्कत नहीं है, अब ऑटोमेटिक से ही हम गाड़ी को धो सकते हैं, अपने को बार बार वहां खड़े रहने की जरूरत नहीं है। और देख रहे हो कितने अच्छे से गाड़ी साफ हो रही है अपनी, अभी भी कुछ चीजें इसके अंदर होना बाकी है। यस
ये अब घूम रहा है, मैं वही सोचूं कि ये बराबर से घूम क्यों नहीं रहा है। पहले उसने सिर्फ पानी मारा पूरे उसके ऊपर और अब ये पूरे तरह से अच्छे से साफ कर रहा है। ओ भाई, मगर यहाँ पर ना अभी भी धूल पड़ी हुई है, तो ये शायद से 3-4 राउंड ऐसे घूमेगा, उसके बाद में गाड़ी अच्छे से साफ होगी। ओ भाई साहब, अब हो रही है, यस अब हो रही है पूरी अच्छे से साफ, और यस अब हुआ है क्लियर पूरी तरह से। $150 मिला है अपने को, $150। मतलब ये ऑटोमेटिक का नोजल ऑन कर दो, बंदे आते जाएंगे, गाड़ी धुलवाते जाएंगे, मगर हम भी खुद से भी गाड़ी धोने का ट्राई करेंगे, सब ही मशीनों के ऊपर छोड़ नहीं देंगे। और तुम लोग की कितनी पेमेंट बची है बच्चे लोग? $250 ना, चलो दिक्कत नहीं है। चिप्स वगैरह ऑलमोस्ट पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, तो फटाफट से ना ऑर्डर दे देते हैं अब प्रोडक्ट्स का। सबसे पहले जाएंगे स्नैक्स के अंदर, ये वाले एक स्नैक, बटर पॉपकॉर्न, बेलीज और कुछ कुकीज मंगाते हैं। अल्कोहल अपने पास में है, सिगरेट के अंदर हम एक काम करते हैं, ये वाली और ये वाली मंगाते हैं। आइसक्रीम में जितनी सस्ती है वो एक एक मंगा रहा हूँ, ज्यादा नहीं मंगा रहा। कैर कैर के भी प्रोडक्ट्स अपने पास में अच्छे खासे, तो दिक्कत नहीं है उसकी भी। और टॉयज ना एक काम करते हैं, टॉयज थोड़े थोड़े मंगा कर रख लेते, क्योंकि अपने पास में ना टॉयज अच्छे खासे खत्म हो चुके हैं, मतलब कुछ ही टॉयज बचे हुए हैं। और स्नैक को ना डबल कर देता हूँ मैं, तो ज्यादा नहीं, सिर्फ 1100 रुपए लगे अपने को, जो कि काफी ज्यादा कम है। कोई आया गाड़ी धुलाने के लिए? एक काम करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ और मैं इंतजार करता हूँ किसी कस्टमर के आने का, क्योंकि अब मैं खुद ही ना मैनुअली कार को वॉश करूंगा, उसमें ज्यादा मजा आ रहा है। और यस, ये बंदा यहाँ से टर्न कर लिया, शायद ये गाड़ी धुलाने के लिए अपने पास में आ रहा है। आजा आजा आजा, फटाफट से आजा, यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं। चलो, पानी की दिक्कत नहीं है, पानी अपने पास में है अभी फिलहाल में। तो दीदी, ऐसी गाड़ी धोऊंगा ना तुमको, लोग बोलेंगे क्या शोरूम से अभी जस्ट परचेस किया आपने? है तो 1, 2 और 3 सेटिस्फेक्शन वाला फील आ रहा है गाड़ी को धोने में, देख रहे हो? मतलब एक लाइन में ऐसे फ्लो में चलेंगे ना, तो हम रोबोट से काफी ज्यादा स्पीड से ना काम कर लेंगे। और मेरे को ऐसा लग रहा है ना, जो रोबोट अपना काम कर रहा है ना, वो रोबोट थोड़ा सा पानी ना ज्यादा लेता है, और हम जो काम कर रहे हैं ना, हम थोड़ा सा कम पानी वेस्ट करेंगे। ओहो, गाड़ी धोने से ना मतलब ऐसा सेटिस्फेक्शन आ रही है, देख रहे हो? एक लाइन में काम करना है हमको बस। और अगर मैं स्पीड में अगर धोऊ तो क्या, तो भी कचरा निकल जाएगा? यस, तो भी निकल रहा है। मतलब एकदम स्पीड से भी धोएंगे तो भी अपना काम हो जा रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा था स्लो स्लो गाड़ी धोऊंगा ना, वो ज्यादा सहरेगा। और ऊपर चढ़ के ना एक बार, इससे पहले वाली गाड़ी का टब हमने धोया नहीं था भाई, उसको वैसे ही हमने छोड़ दिया था। प्रोडक्ट लेकर अंकल आ गए, रुक जाओ अंकल, गाड़ी धो रहा हूं, उसको दिख रहा है मैं यहाँ पर गाड़ी धो रहा हूं, मगर तो भी हॉर्न पे हॉर्न बजाया जा रहा है। अब बारी है इस साइड में, तो ऐसे ऐसे धोएंगे, ऐसे में ना काफी ज्यादा स्पीड से धुल जाता है। एक एक लाइन हम जैसे खींच रहे हैं ना, उसके अंदर थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और मेरे को ऐसा लग रहा है ना शायद से ब्लॉक हो जाएगा। अबे, पूरी गाड़ी धुली नहीं, रुक जा, हेलो, गाड़ी धुली नहीं, दीदी रुको, दीदी हेलो, रुक जाओ। मेरा क्या है, तुम्हारा नुकसान हुआ, मैं तो गाड़ी अच्छे से धो ही रहा था। अंकल तुमको सबर है, एक मिनट सबर है तुमको, है दिख रहा है सामने मैं गाड़ी धो रहा हूँ, मगर तो भी, और मैंने काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स मंगाया था, ये तो काफी ज्यादा कम लग रहे हैं। अब बस देखना ये है कि इस गेम में और कौन सा अपडेट अभी आना बाकी है, क्योंकि और कुछ दिन के अंदर गेम का और काफी ज्यादा बढ़िया अपडेट आना है। चलो, तो अंकल चले गए कुछ देर के लिए, वेयरहाउस को बंद करते हैं, और उसके साथ में ना यहाँ पर मैं ऑटोमेटिक वाला जो फीचर है ना, उसको कर देता हूँ ऑन, ताकि कस्टमर्स आते जाए और गाड़ियां धुलती जाए। अभी हम जा रहे हैं गटर में, मतलब सीवर में, और जाकर ना कौन सा रास्ता किधर जाता है और कौन सी चीज क्या काम करती है, वो सारा का सारा ना देख के आते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है अपने को सारी की सारी चीजें चेक करना। तो चलो, यहाँ पर हम आ चुके हैं गटर में। पहले हम ये राइट वाले रास्ते से गए थे, मगर अभी हम ना ये सीधे वाले रास्ते से जाते हैं, और ये सीधा वाला रास्ता बंद है। चलो, इसका मतलब अपने को राइट वाले रास्ते से ही आना जाना है। और एक कस्टमर कैश काउंटर पे और एक कार वॉश पे आया है। ये अगर मैं नोजल बंद कर दिया तो इसका मतलब ऊपर पानी आना बंद हो जाएगा, ठीक है? और हर बार अगर कचरा फंस जाए तो क्या मेरे को इतनी अंदर अंदर आना पड़ेगा? मतलब थोड़ा भी अगर कचरा फंस जाए तो हर बार अपने को इतनी अंदर आना पड़ेगा। और इधर एक रास्ता जा रहा है, उसके साथ में ना इस साइड में भी एक रास्ता जा रहा है, जहाँ से ना एक वाटर पाइपलाइन जा रही है। और यहाँ पर मैं कुछ सामान रख सकता हूँ, मेरे ख्याल से नहीं रख सकता मैं यहाँ पर कुछ सामान, तो बस यही एक रास्ता है नीचे जाने का। और ये शायद से अपने टॉयलेट में से ना पानी है। इधर कुछ ज्यादा कचरा नहीं है, मतलब काफी ज्यादा कचरा है भाई यहाँ पर पड़ा हुआ। यार, मगरमच्छ पहले यहाँ पर था, अब पता नहीं कहाँ चला गया, शायद से वो पाइप के अंदर जाकर फंस गया वो। और लेफ्ट में कौन सा रास्ता जा रहा है, एक बार जाकर चेक कर लेते। तो लेफ्ट साइड में शायद से मैं इससे पहले नहीं आया हूँ, या आया था, यस मैं लेफ्ट में आया था ना। चलो, यहाँ से तो मैं आया था, राइट साइड में हम नहीं गए थे, तो राइट साइड में एक बार जाकर चेक कर लेते। इसे राइट साइड में रास्ता है जाने के लिए या नहीं, पता नहीं, राइट साइड का तो बंद है ना, दिक्कत नहीं है।
सांप बिच्छू मगरमच्छ सब मिल जा रहे हैं इस गेम के अंदर अपने को। तो बस यहाँ तक आना है इधर से साइड से ना, सीधा हमको वो देख रहे हो मगरमच्छ सामने ही अपने को दिख रहा है, अपना ही थोपड़ा देख रहा है। और यहाँ से सीधा गटर में अपने को खुद ही मारना है। और ये कचरे का मैं क्या करूँ मेरे समझ नहीं आ रहा। और अगर ये देखोगे तो ये कुछ तो पावर वाली मशीन है, एक बार वो कर देता हूँ। समझ गया मैं, यहाँ पर जैसे ही कचरा आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको फेंक दू अंदर, ठीक है इसको मैं फेंक दू और ये मशीन को अगर चालू कर दू, तो इधर साइड का कचरा वो उठा रहा है। चलो दिक्कत नहीं है, इसको इधर ही साइड में फेंकने देते हैं। और यहाँ पर लगा है फीड द गुस्ताव, पिक अप ट्रैश थ्रो एट गुस्ताव, गुस्ताव इज हैप्पी। ओके गुस्ताव खुश होता है, ले गुस्ताव। ओ फीड द बीस्ट, अरे मेरे को तो पता ही नहीं था तेरे को इतनी खुशी होती, खा बेटा खा, जितना खुश हो सकता है हो ले। ये तो अच्छा हुआ हम डबल आए तो अपने को मालूम पड़ गया। एक बार ना इसके नजदीक जाते हैं, और नजदीक भी आ रहे हो तो ये भाई साहब ऐसे लग रहा है बादल गरज रहा है। ओ भाई पूरा ही कचरा खा ले गुस्तावो, पूरा ही कचरा खा ले। एक काम करते यहाँ से उसके ऊपर हम थ्रो करेंगे, यहाँ से भी खा रहा है गड़े गड़े। ये लास्ट वाला बच्चा है वो भी खाकर खत्म कर दे। अरे शिट मिस हो गया, रुक जा एक मिनट, अब खा ले, खा। अब पेट भर गया क्या तेरा? शायद से इसका पेट भर गया, यस खाली हो गया था थोड़ा सा, हमने इसको खिला दिया। और कुछ है तो? और तो कुछ नहीं है यहाँ पर, बस एक बार ना जितना भी कचरा है ये बस जबा देंगे और जैसे ही कचरा है ना सारा का सारा इसके अंदर आकर खत्म हो जाएगा। चलो अपन चलते हैं अपने काम करने के लिए वापस से। जल्दी से लगा दे तो वरना खुशबू सुनकर ना कस्टमर सारे के सारे वापस चले जाएंगे, मेरे एम्प्लॉय सारे के सारे फिर से चले गए। खैर दिक्कत नहीं है, कर रहा हूँ मैं गैस स्टेशन को बंद। और $107,000 पे आए थे हम और $87,000 कर दिया, वहाँ प्रॉफिट करने आए थे लॉस करके चले गए। वैसे लॉस हुआ नहीं है वो, हमने सबसे ज्यादा अपने गैस स्टेशन के ऊपर पैसा खर्चा किया है उसको अपग्रेड करने में, और फिर बाद में पूरे के पूरे हमने प्रोडक्ट्स मंगाए। अभी मेरे को शॉप को ना वापस से अरेंज करना है और थोड़ा सा प्लान करना है कि अपने को वर्कर्स का टाइम कैसे फिक्स करना है। मतलब अभी अगर देखोगे तो अभी ना काफी ज्यादा गड़बड़ हो जा रही है क्योंकि हम कार वॉश में बिजी रह रहे हैं, और तब तक ना अपने को पता भी नहीं चल रहा अपने सारे के सारे वर्कर जा रहे हैं आराम करने के लिए। खैर दिक्कत नहीं है, बहुत दिन के बाद हम गैस स्टेशन अपना ओपन किए इसीलिए सारी की सारी चीजों को ना एक साथ मैनेज करना थोड़ा सा ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा टफ पड़ रहा है। खैर कोई बात नहीं, तो बाकी सारी चीजों को ना अगले एपिसोड में कंटिन्यू करते हैं। तो बस फिर आज के एपिसोड को इतने रखते हैं, थैंक यू सो मच यहां तक देखने के लिए। नए आए हो चैनल पे, एंजॉय किया तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल के ऊपर ऐसे बढ़िया बढ़िया गेम प्लेस और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया सीरीज आते रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। सेकंड चैनल और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी जरूर चेकआउट करो। मैं सेकंड चैनल पर भी बढ़िया बढ़िया कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना क्योंकि अभी तो और काफी ज्यादा बढ़िया बढ़िया गेम प्लेस और काफी ज्यादा बढ़िया बढ़िया सीरीज चैनल के ऊपर आना बाकी है। तो मिलता हूँ तुम लोगों से मैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।